हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं कविता अपने चैनल जीनस फैशन में आपका स्वागत करती हूँ। तो मैंने सारे काम निपटा लिए हैं, नाश्ता भी कर लिया है, नहा धो के पूजा भी हो गई है मेरी। तो आपको पता ही है जैसे कि दीपावली आ रही है, और दीपावली से पहले 2 दिन के बाद करवा चौथ है। तो 2 दिन तो करवा चौथ में बिज़ी हो जाएंगे, सैटरडे संडे, और उसके बाद 6-7 दिन ही बचे हैं दीपावली को। तो धीरे धीरे मैंने सोचा कि सफाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो आज मैं आई हूँ अपनी ये अलमारी साफ़ करने। अलमारी नहीं है, ये गुफा है जिसे साफ़ करने के लिए प्रॉपर टाइम चाहिए होता है। तो मैंने सोचा कि आज इसी का ही काम कर देते हैं, आज इसकी सफाई कर देते हैं। और उधर देखिए बच्चे क्लास ले रहे हैं। इधर बच्चों की क्लास चल रही है, बच्चे क्लास ले रहे हैं। और मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सफाई कर लेती हूँ, धीरे धीरे करूँगी तभी होगा, एक साथ तो होगा नहीं। तो आज का व्लॉग मैं यही शूट करने वाली हूँ, तो प्लीज़ इसे लास्ट तक देखिएगा और मिलते हैं। चलिए आगे आगे मेरे साथ। देखिए अलमारी पूरी बिखरी पड़ी है, तो मैं इसको अब अच्छे से सेट करने वाली हूँ। ये नीचे के पोर्शन भी खाली करने हैं क्योंकि सर्दी आ गई है, तो अब रजाई गद्दे इसी नीचे वाले पोर्शन में रहेंगे। तो मैंने सोचा कि इसको मैं खाली कर देती हूँ, तो आज हम यही काम करेंगे। बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। अलमारी नहीं है, गुफा है। एक्चुअली ये दीवार के अंदर बनाई हुई है ना, तो बहुत बड़ी है, तो इसको क्लीनिंग में भी बहुत टाइम लगता है। देखिए इधर मेरी साड़ियाँ टंगी हुई है। मैं अपनी अपने साड़ी के ब्लाउज़ ज़्यादातर खुद सिलती हूँ, तो मैं किसी वीडियो में आपसे शेयर करूँगी अपने ब्लाउज़ जो मैंने स्टिच किए हुए हैं खुद। मैं कुछ कुछ डिज़ाइन भी देख देख के बना लेती हूँ, तो मैं अपने आप किसी वीडियो में अगर टाइम मिला तो मुझे, मैं आपके साथ अपने ब्लाउज़ भी शेयर करूँगी। तो ये धीरे धीरे देखिए मैं अलमारी को पूरा खाली कर रही हूँ। मैं खाली करने के बाद इसको ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो धीरे धीरे सारे कपड़े मैंने बाहर बेड पर रख लिए हैं, बेड को अच्छे से झाड़ दिया था, उसके ऊपर सारे कपड़े मैंने रख लिए हैं। तो मैं धीरे धीरे ऑर्गेनाइज़ करूँगी क्योंकि ये बहुत बड़ी अलमारी है, तो टाइम लगेगा, तो धीरे धीरे कर रही हूँ। तो अब ये देखिए मैंने अलमारी की क्लीनिंग अच्छे से कर दी है, उस पर एक कपड़ा भी अच्छे से बिछा दिया है। अब मैं धीरे धीरे इसमें कपड़े लगाऊंगी। ये एक्चुअली बच्चों की अलमारी है, तो दोनों बच्चों के कपड़े रख दूंगी इसके अंदर। ये देखिए एक तरफ मैंने अपनी बेटी के रखे हैं कपड़े, एक तरफ अपने बेटे के, दोनों के नए कपड़े अलग रख रही हूँ और पहनने वाले अलग रखूँगी। अब मैंने ऊपर की अलमारी पूरी क्लीन कर ली है, अब नीचे की दो पोर्शन जो है वो क्लीन कर रही हूँ। तो अच्छे से मैं दोनों के पोर्शन को क्लीन कर लूँगी। और आप ऑडियंस से बस यही कहना है कि अगर ये वीडियो मेरी अच्छी लगी है हो, ये व्लॉग मेरा अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर दे देना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी कर देना। प्लीज़ सब्सक्राइब मी, सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। बहुत मेहनत करती हूँ मैं अपनी वीडियो को, तो अप्रिशिएट तो करने के लिए ही एक सब्सक्राइब कर देना आप। तो बने रहिए मेरे वीडियो में लास्ट तक। और ये मेरी पूरी क्लीनिंग अब अलमारी की ख़त्म हो चुकी है, तो मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने ऊपर का पूरी अलमारी ऑर्गेनाइज़ कर दी है, नीचे भी पूरा खाली कर दिया है। मैंने आपको बताया था कि मैंने सर्दियों के कपड़े रखने के लिए इसको खाली किया है, और नीचे कुछ ऐसे ही रैंडम सामान रखा है जो यूज़ नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।